वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदेद। आज जो बात हो रही है ना, आज हम रंग गोरा करने की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम किसी दर्द की बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मसले की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से बेताशा लोग प्लान नहीं कर रहे इस दुनिया में। बच्चे आ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, वही बड़े होके उनकी ज़िंदगी से वो सिर्फ क्या हो गई है, उनके वालदैन की ज़िंदगी क्या हो गई है, क्या हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं, वो पूरी की पूरी फैमिलीज जो हैं वो उन बच्चों को सही तरीके से पाल नहीं सक रहे, उनकी ग़िज़ा नहीं जो है उसका इंतज़ाम नहीं कर सकते, उनकी तालीम का इंतज़ाम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें मिल के सोचें और बहुत ही रियलिस्टिक वे में और मज़हब को साथ लेके, क्योंकि मैं एक बात याद रखिएगा, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन अपने मज़हब से हट के कोई बात करना पसंद नहीं करूँगा। ये मैं आपसे बिल्कुल इंसाफ के साथ अपने ईमान के साथ कर रहा हूँ। लेकिन हमारा मज़हब ही कहता है कि इस दुनिया में जब आप बच्चा लेके आ रहे हैं वो खुदा की मर्ज़ी से आ रहे हैं, लेकिन हम सब पे माँ बाप बनने की जो एक ज़िम्मेदारी होती है उसमें एक ये भी ज़िम्मेदारी कि हम उसके लिए सोचें, ठीक है। और उस माँ के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, उस औरत के लिए ज़रूर सोचें जिसको हमने सिर्फ एक मशीन बना लिया है। सवाल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहनाज शालवानी साहिबा, यूनाइटेड नेशंस फॉर पॉपुलेशन फंड, और डॉक्टर सबीना जलाल साहिबा जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। और अगर आपकी इजाज़त हो तो हमारे एक बहुत ही खसूसी व्यूअर और कॉलर और हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ही काबिल एहतराम नाम ग्लोबल हेल्थ पब्लिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अली इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। आज आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है जनाब, और मैं यानी दो तीन पॉइंट्स में क्विकली कहूँगा। ग्लोबल पॉपुलेशन के तनाजुर में अगर आप देखें तो एक तरफ तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, फ्रांस और कई दूसरे ममालिक, डेनमार्क, जो ये कह रहे हैं कि आबादी बढ़ाओ उन्हें क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। एक हम हैं कि जो है प्रेजेंटली 60 साल से ज़्यादा चल रहे हैं, और न सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं बल्कि हमारी पॉपुलेशन मेल नरिश्ड, सिक और बिल्कुल इलिटरेट, यानी अगर हमने ये बैलेंस नहीं किया तो हमारी जो जैसे डॉक्टर साहब आई हैं, एक तो बड़ी अच्छा ह्यूमन ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है, फिर उस ड्रेन होने के बाद वो बहुत कम आता है वापस। तो देखिए पॉपुलेशन के कई नुकसान आते हैं जब ये पॉपुलेशन में जो क्रीम है वो वेस्टर्न कंट्रीज में जा रही है। इसी तरह रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पॉपुलेशन के सब्जेक्ट को अगर आप देखें तो इस पर हमारा रिलीजन फुकहा ने बड़े खुल के लिखा है हर मसले पर, और नेचुरल मींस भी हैं जिनसे हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कोई एक्स वाई जी में इजाज़त दे दें कि हम लोग बड़े हिचकिचाते हैं टीवी ड्रामों में, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि लफ्ज़ कंडोम, पिल्स, इन चीज़ों को बोलते हुए हमें तालीम देते हुए तो बड़ी घबराहट होती है। फिर मेडिकल कॉलेजेस हों या अस्पताल हो, वहाँ इस सब्जेक्ट को हमने टैबू बनाया हुआ है। अगर हम इस्लाम से लें तो फुकहा ने इस पर बड़ी तफसीली बहसें लिखी हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर जैसे अभी आपने कहा कि इस्लाम को मद्देनजर रख के भी पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बोलें तो कोई वजह नहीं है कि सेहतमंद अच्छी पॉपुलेशन फ्यूचर में आएगी। वरना मेरा ख्याल यह है कि जिस मुल्क में सब्जेक्ट को टैबू समझा जाए, ड्रामों में दिखाया जाए, ड्रामे बनाए ऐसे जिस तरह आप और अफेयर्स पेज पे बनाते हैं, पॉपुलेशन कैसे मैनेज हो और हेल्दी फैमिली को क्या फवायद नजर आ रहे हैं, ताकि लोगों में ह्यूज इम्पैक्ट हो। मैं बस यही कहूंगा और इस पर तबसरा चाहूंगा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ खाली लेक्चर नहीं है, इसमें मीडिया है, इसमें टीवी है, इसमें ड्रामाज हैं, इसमें थिएटर है, तो इन चीज़ों को हम उससे भी उजागर कर सकते हैं और प्रिवेंशन या प्रमोशन जो है उस पर तवज्जो दें। डॉक्टर साहब भी इस पर जोर डालेंगे, हम प्रॉब्लम में फंस के प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रॉब्लम में फंस के प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। और ये फ्रांस की मिसाल देख लें आप, ईरान ने देखिए अपनी पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट कितना कंट्रोल किया, कितनी इस्लामिक कंट्री है। मैं एक बस इसकी मिसाल दूंगा, बांग्लादेश ने हमसे बेहतर कर लिया और हमारा भी हमसे बेहतर हो गया। क्या बात है भाई, तो इसको आप कंपेयर करें तो वो भी तो इस्लामी मुल्क थे, वो 4.1 से तकरीबन 2 पे ले आए ईरान, और बांग्लादेश भी हमसे कम हो गया। बस दुआ करें हमारे मुल्क के हेल्थ पॉलिसी मेकर जो हैं, अल्लाह उनको अकल दे, वरना इस मुल्क को पढ़े लिखे लोगों ने बर्बाद किया है। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली इमरान साहब, हमेशा की तरह आपके फीडबैक जो हैं हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम। एक और कॉलर हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम, जमीला साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? तो इस सिलसिले में जो आपका प्रोग्राम है ना, जी जी, तफसील में गए बगैर अगर इजाज़त हो तो मैं एक दो बात करूँ। श्योर, बिल्कुल आपका प्रोग्राम। जी जी, बिल्कुल कहिए। आवाज़ नहीं आ रही साफ असल में। आप क्यों आ रही है? आप बिल्कुल कहिए। आप आ रही? बिल्कुल आ रही, पूरी दुनिया को आ रही है। वो हमारा मेन मसला जो है कंट्रोल में, जहाँ तक डॉक्टर साहब समझ में आता है, वो कि अहकामात है ना कुरानी,
कहते हैं उसे पाबंदी लगाना गैर इस्लामी है ना जी जी यही बात है। तो उसमें मुझे एक बहुत बारीक सा पॉइंट है, वो आप मुझे बताएं या सब लोगों को बताइए। वो ये है कि जहाँ कहा गया है ना कि अपने बच्चों को रिस्क की तंगी की वजह से कत्ल मत करो, बेशक यही को बेस बनाते हैं ना लोग, बिल्कुल बेसिक यही है ना। तो उसमें इसके आगे पता है क्या है कि इसमें कौन कह रहा है कि आप बच्चों को कत्ल करें। बात यह है कि अगर वो रहम में आ भी जाता है, जब बच्चा आ जाता है ना, तो शायद उसके 19 हफ्ते या कितने हफ्ते के बाद उसमें जान पड़ती है। समझ रहे, सुन रहे ना आप मेरी बिल्कुल, बात बिल्कुल, हम सब सुन। तो अगर वो उसके बाद भी उसको नहीं रखना चाहते तो वो उसको किलिंग नहीं आएगा, वो उस वक्त आएगा जब उसमें जान पड़ चुकी हो। तो दो पॉइंट है, एक तो ये है कि उससे पहले इंसान एहतियात कर ले, दूसरी बात ये है कि उसके उसके बाद भी अगर उसको जाया कर दिया जाता है तो ही इज नॉट ए लिविंग ऑर्गन, वो लिविंग ऑर्गन तो है ही नहीं। वो 19 हफ्ते के बाद कहते हैं शायद उसमें जान आती है ना, ठीक है। लिहाजा ये कहना कि उनको कत्ल मत करो, हमने अगर उसको जाया करा दिया तो कत्ल के मुतरादिफ हो जाएगा, तमाम आलिम लोग ये बात कहते हैं, तो उनको ये हमारा तो मकसद ये है कि इस दुनिया में जो भी आ रहा है ना, पहली बात अगर वो 19 हफ्ते से पहले का हो, 19 हफ्ते के बाद का हो, इस डिबेट में हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम उस 19 हफ्ते से पहले वाले के लिए भी, 19 हफ्ते से बाद वाले के लिए भी, और जिसके अंदर वो 19 हफ्ते वाला मौजूद है उसके लिए भी तो सोच लें। क्यों डॉक्टर साहब, क्यों डॉक्टर सबीना, एम आई राइट? और हम उस डिबेट से नहीं, मैं नहीं पढ़ना चाहते कि ना लेके आओ, ठीक है, लेकिन जिनको लिए लेके आ रहे हो उनके लिए प्लान करो। ये बताइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, बहुत इंसाफ से बताइएगा, हमारे मुल्क में हर औरत को के लिए वही मौजूद है क्या? यहाँ नहीं, एक तो पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ हिस्से हैं जिनकी हम बात करते हैं। वो स्टार्ट होती है हमल से, हमल के दौरान की निगहदाश्त, फिर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद की निगहदाश्त, न्यूनेटल की निगहदाश्त, बच्चे की निगहदाश्त, फिर बहुत उसके हिस्से हैं। हर औरत को ये केयर देना हमारे मुल्क में वाकई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मसला एक्सेस यानी रसाई का है। रसाई का आप वो, जैसे मैं बताऊँ कि कहीं सर्विसेज मौजूद हैं, कहीं पे सर्विसेज नहीं हैं, कहीं पे मौजूद हैं तो लोग उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, औरतों को उस तक पहुँचने की प्रॉब्लम है। अनमेट नीड जिसे हम कहते हैं, यानी नीड है उस औरत की और वो उस नीड को पूरा नहीं कर पा रही। सेंटर खुला हुआ है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, औरतें नहीं आ रही करवाने, तो रसाई वाकई मुश्किल है। हमारा कवरेज एरिया बहुत कम है, हम अब तक सब जगह नहीं अपनी सर्विसेज पहुंचा सके, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जहां भी पहुंचे एटलीस्ट वो यूटिलाइज हों। और उसमें यूनाइटेड नेशंस का जो है इस दफ़ा टॉपिक पे ये गाइडलाइंस भी हैं कि इस दफ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया, और उसके एक्सेस पे, एक्सेस पे तो कोई कोई स्टेप्स लिए जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल लिए जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि इस एक्सेस की जो वजूहात हैं कि एक औरत को रसाई क्यों नहीं मिल रही अपनी तौलीदी सेहत को हासिल करने की, उस रसाई में जो जो रुकावटें हैं, कहीं सेंटर्स कम हैं, कहीं फीमेल सर्विस प्रोवाइडर या डॉक्टर्स नहीं हैं, कहीं अद्वियात नहीं हैं, कहीं सेंटर्स में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, रस्तों का प्रॉब्लम है, तो मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं। अगर हम जो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं या मिडवाइव्स हैं उनकी ट्रेनिंग के हवाले से बिल्कुल हमने डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल होगा माजरत के साथ कि डॉक्टर हलीम रान ने जो एक बात की है ना कि फ्रांस में तो कह रहे हैं बढ़ाओ, ठीक है ना, बांग्लादेश में, ईरान में, इन इस्लामी मुल्कों में अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको थोड़ा कम कर दिया है, उन लोगों ने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए? कॉलर हैं, क्योंकि कॉलर्स मुझे कह रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है कि आज भी शुगर कॉलर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें आप सजेस्ट कर रहे हैं। मोइन साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम मोइन साहब। सर वालेकुम अस्सलाम सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर मेरा सिर्फ आपसे इतना सा सवाल है कि हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को पढ़ाना होगा, उनको अच्छी तालीम देना होगी, तब हमारा फ्यूचर जो है ब्राइट होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है सर। आपका जवाब मिल गया, बस वेरी गुड, वेरी गुड मोइन साहब। इसी तरह के सजेशंस अगर आप सब देंगे ना तो कुछ लोग होते हैं जो कि वो मखलूक है जो पॉलिसीज बनाती हैं, उन तक मेरी आपकी हम सब की आवाज़ चली जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मज़ीद बातें करेंगे और मज़ीद सजेशंस भी लेंगे, मेहमानों से भी लेंगे और उन मेहमानों से जो अपने घरों में बैठे हुए हैं आपसे भी लेंगे। लेकिन जा रहे छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।